शुक्रवार को राज्यसभा में शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया। चौहान बोले कि किसान विरोधी होना कांग्रेस के डीएनए में है। विपक्षी पार्टियों की तरफ से केंद्र की मोदी सरकार पर कृषि क्षेत्र के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया जा रहा है। विपक्ष के आरोपों के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पार्टी को ही किसान विरोधी कह दिया। नमस्कार, मैं शेख जोया, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। शिवराज सिंह चौहान बोले कि केंद्र सरकार ने बीते 10 सालों में कृषि क्षेत्र के बजट में अच्छी खासी बढ़ोतरी की है। किसानों को सब्सिडी पर फर्टिलाइजर्स मिल रहे हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। कृषि मंत्री आगे बोले कि किसान विरोधी होना कांग्रेस के डीएनए में है। कांग्रेस की प्राथमिकताएं शुरुआत से ही गड़बड़ रही है। शिवराज सिंह चौहान बोले कि केंद्र की मौजूदा सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए कुछ प्राथमिकताएं तय की है। सुनिए शिवराज सिंह ने क्या कुछ कहा। लेकिन अनीति और अधर्म किसने किया, ठगी किसने की? माननीय उपसभापति जी, कांग्रेस के डीएनए में ही किसान विरोध है, मैं ये कहना चाहता हूं। यह आज से नहीं प्रारंभ से ही कांग्रेस की प्राथमिकताएं गलत रही है। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, मैं उनका आदर करता हूं, लेकिन भारतीय परंपरा खेती के बारे में उसका निर्वाह नहीं किया। रूस गए, वहां से एक मॉडल देख के आए और कहा कि रूस का मॉडल लागू करो। भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी ने कहा यह नहीं हो सकता, भारत की कृषि की परिस्थितियां बिल्कुल अलग है। प्राथमिकता गलत थी उपसभापति जी। 17 वर्ष तक उन्होंने प्रधानमंत्री जी के पद को सुशोभित किया, लेकिन तब क्या होता था? अमेरिका से PL-480 सड़ा हुआ लाल गेहूं भारत को खाने पर विवश और मजबूर होना पड़ा। माननीय उपसभापति जी, स्वर्गीय इंदिरा जी के समय, मुझे अच्छी तरह याद है, हम छोटे थे, उस समय किसानों से जबरदस्ती लेवी वसूली का काम होता था। जबरदस्ती लेवी वसूली जाती थी, अगर 2 क्विंटल भी है तो 1 क्विंटल दे के जाओ। बिंडे खोद दिए जाते थे, रखा हुआ अनाज उठा लिया जाता था। भारत आत्मनिर्भर नहीं हुआ। चौहान बोले कि केंद्र सरकार विपक्ष के अच्छे सुझावों का स्वागत करेगी। उनकी सरकार किसानों को भगवान मानती है, ना कि वोट दे। शिवराज ने विपक्ष के सभी आरोपों को खारिज कर दिया। ऐसे तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज। शुक्रिया।